श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मंच पर उनके पार्टी के जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता के द्वारा श्रद्धे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी चिराग पासवान जी की माता जी के संदर्भ में बोला गया है वह अत्यंत निंदनीय है। राष्ट्रीय जनता दल और उसका हिंदी गठबंधन 40 सीटों में बिहार में शून्य पर सिमटने जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। तेजस्वी यादव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा और सुना जा रहा है कि किस तरीके से चिराग पासवान की माँ और चिराग पासवान को अमर्यादित शब्दों से जो है संबोधित किया जा रहा है। और इसके बाद से ये जो मामला है वो बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मामले पर लगातार एनडीए के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव को और आरजेडी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तब इसी कड़ी में युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने भी तेजस्वी यादव और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी और तेजस्वी है उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है अब जनता के सामने आ चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को ऐसे गालीबाज नेताओं को अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए और साथ ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी से जाकर माफी मांगनी चाहिए। पहले हम आपको सुनवाते हैं वो बयान जिसमें रोहित सिंह जो है ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान जी देश और बिहार के बड़े प्रतिष्ठित राजनेता रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने गरीब और वंचित वर्ग के समग्र विकास हेतु काम किया। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मंच पर उनके पार्टी के जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता के द्वारा श्रद्धे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी चिराग पासवान जी की माता जी के संदर्भ में बोला गया है वह अत्यंत निंदनीय है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, आपके घर में भी बेटियां हैं, बहन हैं, महिलाएं हैं, यह शोभा नहीं देती है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ेगा? राष्ट्रीय जनता दल का विचार ही महिला विरोध है, सामंती शक्तियों का संग्रह है, गरीब और दलितों का उत्पीड़न रहा है। राजद के चाल चरित्र और चेहरे को बिहार की जनता पहले से जानती रही है। तेजस्वी यादव जी, आप जो पुचारा करने का प्रयास कर रहे हैं उस पुचारा का एक ही बारिश में रंग निकल गया। आप अविलंब अपने नेता को पार्टी से निकालिए, बिहार की सम्मानित जनता से माफी मांगिए और माता समान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी से जाकर व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगिए। बिहार की जनता आपसे नाराज हो चुकी है, पहले भी नाराज थी। आपके दल ने लगातार दलित उत्पीड़न किया है, पिछड़ा और वंचित वर्ग के विरोध में काम किया है। आज जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध दानापुर में किया गया है उससे भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल का कनेक्शन है। आने वाले आम चुनाव में जो कल पहला चरण होने जा रहा है बिहार में, बिहार की सम्मानित जनता कल ही श्री गणेश कर देगी। राष्ट्रीय जनता दल और उसका हिंदी गठबंधन 40 सीटों में बिहार में शून्य पर सिमटने जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपका नकली चेहरा राज्य की सम्मानित जनता के सामने आ चुका है। शर्म करे राष्ट्रीय जनता दल, शर्म कीजिए तेजस्वी जी। तो ये थे युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जो हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा तेजस्वी यादव का, जिसमें तेजस्वी यादव के समर्थक चिराग पासवान और उनकी माँ को जो है अमर्यादित शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। अब इसको लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है और लगातार एनडीए की तरफ से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।